एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, बी एंड सी कैन डू इट इन 15 डेज, वाइल सी एंड ए कैन फिनिश इट इन 20 डेज। इन हाउ मैनी डेज विल ए बी सी फिनिश इट वर्किंग टुगेदर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ए और बी दोनों एक साथ वर्क करते हैं तो वो किसी वर्क को 12 डेज में कंप्लीट करते हैं। सिमिलरली बी और सी अगर एक साथ वर्क करेंगे तो उसी वर्क को वो 15 डेज में कंप्लीट करेंगे, एंड सी और ए जब एक साथ वर्क करेंगे तो उसी वर्क को 20 डेज में कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर ए बी और सी तीनों एक साथ वर्क करते हैं तो वो उसी वर्क को कंप्लीट करने में कितना समय लेंगे। तो सबसे पहले हम इनका वन डे का वर्क निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे ए प्लस बी वन डे वर्क इज इक्वल्स टू, अब हमें पता है कि वर्क का इन्वर्स टाइम होता है और टाइम का इन्वर्स वर्क होता है, तो यहाँ पे वन डे का वर्क आ जाएगा 1/12। सेम सेकंड कंडीशन में हम करेंगे बी प्लस सी का वर्क निकाल लेंगे वन डे का, तो ये हो जाएगा 1/15, एंड सी प्लस ए ये आ जाएगा 1/20। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों जब एक साथ वर्क करें तो इसके लिए हम इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। तो एलएचएस वाली साइड एलएचएस में रहेगी और आरएचएस वाली आरएचएस की तरफ। तो लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए वन डे वर्क इज इक्वल्स टू 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो एलएचएस की तरफ कुछ इस तरह से आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी वन डे वर्क। इधर साइड में हम एलसीएम ले लेंगे जो कि 60 आ जाएगा। अब 12 से 60 को कट कर देते हैं तो 5 आ गया, 5 × 5 15, 4 × 60 होता है तो ये ऊपर 4 आ जाएगा, और 23 × 60 होता है तो ऊपर 3 आ जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे फिर से ए प्लस बी प्लस सी वन डे वर्क इज इक्वल्स टू 5 + 4 + 3 को ऐड करेंगे तो ये 12/60 आ जाएगा। जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/5। अभी जो 2 मल्टीपल फॉर्म में है इसको हम राइट साइड भेज देते हैं तो आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी वन डे वर्क इज इक्वल्स टू 1/2 × 5 हो जाएगा जो कि 1/10 आ जाएगा। तो ये तो वर्क है वन डे का इन तीनों के साथ का, इसी का इन्वर्स इनका रिक्वायर्ड टाइम हो जाएगा। तो लिख लेंगे द टाइम रिक्वायर्ड बाय ए बी सी वर्किंग टुगेदर टू फिनिश द वर्क इज इक्वल्स टू, तो ये 1/10 वर्क दिया हुआ है वन डे का, इसी का अगर हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हमारे पास टाइम आ जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पे 10 डेज, यही हमारा आंसर हो जाएगा।